हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम 3.2 का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको करने वाले हैं। देखो सम क्या लिख क्या बोलना चाहता है, हम देख लेते पहले कि पिता व पुत्र की आयु के बीच का संबंध जानने हेतु पिता व वयस्क पुत्र के 8 युग्मों की निम्नानुसार दी गई है। सूचना से पुत्र की ऊंचाई का पिता की ऊंचाई के प्रति नियत संबंध रहेगा। पुत्र की ऊंचाई का पिता की ऊंचाई, तो देखो पुत्र की ऊंचाई यहाँ क्या है, वाई, और पिता की ऊंचाई क्या है, एक्स। तो वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध हमको यहाँ ज्ञात करना है। उसके बाद में नीचे लिखा है जब पिता की ऊंचाई यानी कि एक्स लिखा हुआ है, पिता की ऊंचाई यानी एक्स 170 सेंटीमीटर, तो पुत्र की ऊंचाई का आकलन कीजिए। तो हमको ये ज्ञात करना है, यहाँ पर y की x के प्रति पहले नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे, और वो नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करेंगे, y कैप का आकलन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम x और y लिखेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, हम दोनों को ही लिख देंगे वहाँ से। तो देखो x में कितना लिखा हुआ है, 167, 169, 171, 168, 173, 166, 167 और 165। फिर हम इसका टोटल करेंगे, y में क्या लिखा हुआ है, 158, 170, 169, 172, 170, 168 इज गिवन, 164 एंड लास्ट वन इज अगेन 167। ओके, तो सब सच टाइप इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन द वैल्यू ऑफ x इज गिवन हियर 170 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन हियर। पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। अब हमारा आगे का स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करने से पहले हमको पता है कि हमारा स्टेप क्या है, कि पहले x बार और y बार निकालना है। तो उसके लिए हमको टोटल की ज़रूरत पड़ेगी, और x और y का हम टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम टोटल करने का। तो 167 प्लस 169 प्लस 171 प्लस 168 प्लस 173 प्लस 166 प्लस 167 प्लस 165, तो हमारा आता 1346। उसके बाद हम बाजू वाले का देखते हैं, 158 प्लस 170 प्लस 169 प्लस 172 प्लस 170 प्लस 168 प्लस 164 प्लस 167 आता है 1338। अब हम x बार और y बार निकालेंगे, तो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, ऐसे ही हमारे पास y बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा x हमारे पास में है 1346, और बट्टे में कितना n, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हम लिखेंगे 8। इधर हमारे पास 1338 है, बट्टे में कितना लिखेंगे, 8। अब भाग देकर देखते हैं आता कितना है, तो पहले 1338 लिखा हुआ ही है, तो भाग 8 कर देते हैं हम इसको, 167.25 हमारा आया यहाँ पर। उसके बाद में हम इस साइड का देखते हैं, 1346 भाग 8 करने पर कितना आता है, तो 168.25 इस साइड का आता है। तो दोनों हमारे कैसा है, पॉइंट में है, यानी कि अपूर्णांक है। अगर x बार और y बार अपूर्णांक में हो तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, यू वी वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो यू वी वाली मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं,
u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी, फिर यू वी, और उसके बाद में हमारे को निकालना होता है यू स्क्वायर एक्स माइनस ए। तो ए हमको यहाँ सबसे छोटी संख्या जो भी उसको मान लेना है, यहाँ 165 है वो सबसे छोटी संख्या दिख रही है, तो हम ए बराबर 165 मान लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि हमने ए माना है। सेम इस साइड भी देखेंगे तो 158 हमको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दिख रही है, वो हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और उसके बाद में हम इसमें से माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए यू और वी, वो दोनों के दोनों हमको यहाँ मिल जाएंगे। तो देखते किस तरह से यू निकालेंगे, 167 में से 165 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 169 में से हम 65 माइनस करेंगे 4, 171 में से 165 6, 168 में से 165 माइनस 3 यहाँ माइनस में आएगा ही नहीं, 173 में से 165 8, 166 में से 165 1, 167 में से 165 2, और 165 में से 165 0। फिर बी, बी कैसे निकालेंगे हम, वाई माइनस बी, 158 को माइनस करना वाई में से, तो 158 में से 158 माइनस करेंगे 0, 170 में से 158 माइनस करेंगे 12, 169 में से 158 माइनस करेंगे 11, 172 में से माइनस करेंगे 14, 12, 168 में से माइनस करेंगे 10, 164 में से माइनस करेंगे 6, 167 में से माइनस करेंगे 9। अब यू वी 0, 12 चौक 48, 11 चंग 66, 14 तीया 42, 12 अट्ठे 96, 10 एकम 10, 6 दूनी 12, और 9 0 ज 0। अब हम यू स्क्वायर भी करेंगे, तो यू स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यू का स्क्वायर 2 2 ज 4, 4 4 ज 16, 6 6 ज 36, 3 3 ज 9, 8 8 जा 64, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और 0। तो ये हमारे सारे हो गए हैं, अब इनका हम टोटल करेंगे। ओके, तो टोटल स्टार्ट करते हैं। इसका 134, 16 और 4 20, 36 और 45 यानी कि 65, और 65 130, 130 और 4 134। इस साइड का हम देख लेते हैं, 48 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 96 प्लस 22, 12 और 10 22 हमने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद में हम चलते हैं इसके ऊपर वी, 12 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 और 6 15 डाउन डायरेक्टली, यहाँ खाली 74, और लास्ट में हमारे पास 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 10 25, और 1 26। तो इस प्रकार से हमारे इन सबका टोटल हो चुका है। टोटल होने के बाद हम हमारा सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो y की x के प्रति नियत संबंध रेखा हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो ये किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, हमारा मेन सूत्र y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब b निकालना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो b वाई एक्स इज इक्वल टू n पॉइंट सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन n पॉइंट सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर।
एन कितना हमारे पास में, यहाँ पर देखो 8 हमने यूज़ किया था। सिग्मा यू वी कितना है, 274। सिग्मा यू कितना हमारे पास, 26। सिग्मा वी कितना, 74। एन कितना है, 8। यू स्क्वायर कितना है, 134 माइनस 26 का होल स्क्वायर, यानी कि सिग्मा यू का होल स्क्वायर बोला है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब इनका सॉल्यूशन हम करना है। तो 274 गुणा 8 21, 92 आएगा। माइनस 26 गुणा 74 हम करते हैं, 1924 आता है। उसके बाद में 8 गुणा 134 करते हैं तो 1072 आएगा, और 26 26 676 होता है। तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 676 नीचे आएगा अपने पास, 396 ऊपर की कैलकुलेशन हम अभी कर लेते हैं। 82192 माइनस 1924 तो आएगा 268। 268 को डिवाइड करना है 396 से, तो हमारे पास आएगा 0.68। 676767 तो हम उसको 68 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में 5 से बड़ी संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये बी मिल गया हमको। क्या मिल गया, बी 0.68। अब हम बात करते हैं ए की। तो ए के लिए हम किस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पर देखो हम यहाँ देख सकते हैं, ये वाई बार है हमारा 167.25 जो था, माइनस एक्स बार बात करें तो 168.25 था पहले, भी 0.68। उसके बाद में हमारा एक्स बार है 168.25, हमने कैलकुलेट किया है सबसे पहले उसी को, तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। अब 167.25 माइनस इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो हम देख सकते हैं 168.25 गुणा 0.68 तो आता है 114.41। माइनस करेंगे 167.25 में से तो हमारे पास आएगा प्लस का 52.84। यहाँ माइनस दिखा रहा है क्योंकि मैंने 114 में से इसको माइनस कर दिया था, हमारे पास बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस में ही रहेगा। अब ए हो गया, बी हो गया, तो हमारा वाई कैप का जो मेन सूत्र है उसको हम वापस एक बार रखेंगे। ए कितना है 52.84, बी कितना है 0.68। अब एक्स कितना था हमारा, तो एक्स के लिए हमने सबसे पहले ऊपर ऊपर लिखा था 170, ये हमारा क्या था, एक्स था, तो हम यहाँ 170 वापस लिखेंगे। तो लिखेंगे 0.68 गुणा 170, तो 52.84 प्लस 115.6 तो हमको मिलेगा 168.44 सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। लास्ट में हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन में कि जब पिता की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो पुत्र की ऊंचाई कितनी होगी, हमने कितना निकाला है 168.44 सेंटीमीटर निकाला तो वो होगी। तो इस तरह हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। ये हो गया हमारा पूरा, ए वाई कैप है हमारे पास में, इस तरह से हमारी प्रोसेस फॉलो होगी। और वाई के एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा निकाल कर हम पहले बी निकालेंगे, ए निकालेंगे, फिर वाई कैप का सूत्र लगाएंगे और लास्ट ए लाइन लिखेंगे। तो इस तरह से ये
समय। अगर कोई डाउट्स है अभी भी या कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो यू कैन आस्क मी एंड कमेंट मी।